स्कूल उन खोलवाक टाइम आए हो तो अबे आखा जिला सगला बड़ा अधिकारी उनके स्कूल याद आ रहा है, बच्चा उनके प्रवेश करे के तिलक लगा रहा है। गुरुवार कलेक्टर ने जाल सेवा सीएम राइज में, एसपी ने लाल पुलवारा स्कूल में, सांसद जी नूतन कन्या इंदिरा नगर में, और भी दूजा अधिकारी उन्होंने दूजा स्कूल उनमें जयकैंड बच्चा बच्ची उनकी क्लास ली। आर्थिक दांत खावा का और ना दिखावा का और अपना जिला में स्कूल उनकी सही साइड हकीकत हूँ तुम्हार बताऊँ। आज को गुरुवार दोपहर को अपना यहाँ उज्जैन जिला को एक सीन देखी लो, रूह कांपी जाएगा। गांव को नाम है महुड़ी खेमा, पंचायत बालोदा हसन, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन। दफोर का टेम पेलिस पांचवी वाला इन्हें स्कूल में कोई 20 बच्चा बच्ची उन बैठा था, ऊपर से एकाएक छत से लेवड़ा टपकवा लगी गया, 3 बच्ची उनका माथा खून की धार फूट पड़ी है। ऊपर से हिट या के इतनी बड़ी घटना की नी तो कलेक्टर के नी जिला शिक्षा अधिकारी के, और तो और छोड़ बड़नगर का ब्लॉक वाला शिक्षा अधिकारी के भनक नहीं, और कई 2-4 बच्चा उनकी जान जाएगा जज जगोगा, यह है हकीकत। चलो एक और सीन देखी लो, स्कूल उनमें प्रवेश का नाम पे जम के हुई नोटंकी की एक और सच्चाई। इना बच्चा से मिलो, नाम है अनुभव जैन, 8वीं तक संत मीरा स्कूल में अंग्रेजी मीडियम से बढ़ियो अनुभव, अपना पग उनती ढंगती चली नहीं पाए। जैन कॉलोनी में रह वाला अनुभव का घर कड़ा खाली जीवाजीगंज सीएम राइज स्कूल के छोड़ के सरकारी दूजा स्कूल ऐसा भी नहीं है जहाँ अंग्रेजी मीडियम के अग्गे पढ़ाई करी पाए। गया कोई 20 दिन से अनुभव ने विकी मम्मी जीवाजीगंज वाला सीएम राइज स्कूल का चक्कर काटी रहा है। इना स्कूल में के खाली इना वास्ते प्रवेश नहीं मिली पाई रहे क्योंकि अनुभव दिव्यांग है। स्कूल वाला कह रहा कि हम क्या वेर नहीं पाएंगा, अरे पक से दिव्यांग है दिमाग से थोड़ी पढ़नी वारे सीएम राइज स्कूल। जय अपना जी साहब, काले मरे नहीं बताया था कि कलेक्टर अपना यहाँ का जो नीरज सिंह जी है वी जीवाजीगंज वाला कई के वो सीएम राइज स्कूल वहां पे आया था, निरीक्षण भी करियो थो। मैंने कल आपसे वादो करे तो समाचार में हूँ इन्हें जीवाजीगंज स्कूल की एक ऐसी भी आपके खामी बताऊंगा जिसे आप भी धिक्कार होगा। मारे साथ जो बैठे हो छोटो सा नाम के हो बच्चो अनुभव जैन, जैन कॉलोनी में रहे, और इसे भी बात करांगा और इसे पूछांगा खुद के इक्के ने इका इकी मम्मी के इका परिवार के कई परेशानी आई रही। बेटा कई नाम आपको? अनुभव जैन। अनुभव जैन कौन सा स्कूल में अभी तक पढ़ता था ने कितना कई परसेंट आया? संत मीरा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता था, 58% आया था। अच्छा, अब एडमिशन कहाँ लेना चाह रहे बेटा? जीवाजीगंज स्कूल सीएम राइस। जीवाजीगंज सीएम राइस, वहाँ कितने दिन से चक्कर खा रहे हो आप? 1 तारीख से अभी तक खा रहे हैं। अच्छा, मम्मी और आप रोज जाते हैं स्कूल वहाँ? आप दिव्यांग हो, आप पैरों से अपने अच्छे से नहीं चल पाते इसलिए आपको एडमिशन नहीं दे रहे हैं आपको स्कूल में, है ना, ऐसा बोलते हैं हमारे साथ। अनुभव का साथ है अपनी हमारी बड़ी बहन भी यहाँ बैठी है कि मम्मी इनसे बात कराऊंगा, बात कर लिया हो जी प्रिंसिपल से बात जी? कई बोले उन्होंने बोला जे वो विकलांग बच्चे को हम तो नहीं ले सकते, उसको जवाबदारी हम नहीं ले पाए। तो मैंने फिर भी बोला देखो सर हम तो उसके जवाबदारी हम लेंगे, खुद उठाएंगे, ले जाएंगे, ले आएंगे उसको दोपहर लंच के टाइम, उसको आके हमने उसको जो करना है करवा जाएंगे, नहीं तो ऐसे कुछ मोबाइल भी रख के उसको पूछता रहेंगे किस प्रॉब्लम है कुछ है। फिर भी सर ने मना किया, बोले हम इतना जवाबदारी नहीं ले पाएंगे, व्हील चेयर तक वो रख के जाएंगे जो कभी उसको पूछो व्हील चेयर में उठा के भी ले जाना। सुनियो आपने सीएम राइज की यह है हकीकत, एक बच्चो है जो 8वीं तक इंग्लिश मीडियम में पढ़े हो अच्छो, अब अणि क्षेत्र में दूसरों कोई सरकारी स्कूल ऐसा है भी नहीं जो इंग्लिश मीडियम में जाए पढ़ी सके, सीएम राइज वाला के एडमिशन देवाक तैयार नहीं। आप खुद तय करो कि यो बच्चो कहाँ जाएगा, कई करेगा, इको भविष्य की पढ़ाई खाली अब यहां तक सीमित रहेगा। अक्कल आनी चाहिए भी इनके अक्कल जो ऐसा जवाब देनी, डेढ़ अकलिया उन्हों, अब ज्यादा बोली जाऊंगा अच्छा लगेगा, खैर आप तय कर दो। या तो डबल इंजन वाली सरकार का स्कूल उनके पोल पट्टी, अबे ट्रिपल इंजन वालों भी एक मामला देखी लो। हर साल उज्जैन से इतरो पानी गंभीर ने छिपरा जी से हुई के बही जाए जितना आधो मालवो सींची ना, इका बाद भी शेर में पानी फजी था। प्रधानमंत्री जी भाजपा वाला, मुख्यमंत्री जी भाजपा वाला, सांसद विधायक महापौर जी भाजपा वाला, इका बात भी भाजपा का जमीनी पायदान मने इनका पार्षद उन चिड़िया बैठे है, भाजपा का पार्षद उन कह रहा है हमारी तो कोई सुनी नहीं रही हो।
क्योंकि मैंने एक साल पहले बोरिंग के टेंडर लगाए, टेंडर हो गए, वर्क आर्डर हो गए, सब कुछ हो गए, ठेकेदार काम करने को तैयार नहीं है। पीएचसी से पूछो तो पाइप फूट जाता है, यहाँ हो जाता है, चार दिन से मेरे वार्ड में पानी नहीं है। अधिकारी को फ़ोन लगाओ तो वो कह रहे हैं कि हाँ जोड़ रहे हैं, पाइप फूट गया है, जोड़ रहे हैं, कोई संतुष्ट जवाब नहीं दे रहा है। और वर्तमान में मुल्लापुरा के यहाँ लाइन फट गई थी, इससे हमारे वार्ड में दो नंबर में पूरा बहुत लंबा चौड़ा वार्ड है, अंगारेसर से वाल्मीकि धाम तक, और पानी की इतनी किल्लत है कि धार्मिक क्षेत्र होने के बाद भी कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। टैंकर मांगते हैं तो दो टैंकर देते हैं, इस प्रकार से ये चल रहा है। और वहाँ पर यानी पानी की बहुत समस्या है, हमारे नलों में पानी नहीं आ रहा है, और उसके कई बार शिकायतें कर चुके हैं हम, और हर बार शिकायत करते हैं, सीएम हेल्पलाइन तक शिकायत, और यहाँ पर अधिकारी बुलाते हैं और मिलते नहीं है। मैं अभी भी अधिकारी से मिलने आया था, फ़ोन लगाते हैं कि आप आके मिलो, और पानी की समस्या का हल नहीं हो रही है, और ये हमारे सीएम का गृह नगर है, उसके बावजूद भी हम लोगों को बहुत पानी की दिक्कत हो रही है। मन में महादेव हो तो तन मंदिर बनी जाए, मंदिर में भोग लगावा बात आए तो खाली शुद्धता चाहे, मने कुल जमा कहानी या के तन का खातर चाहे शुद्ध भोजन। उज्जैन का स्वाद में अबे चार चांद लगा वास्ते आई गयो है एक और प्रतिष्ठान, महादेव ढाबा। यहाँ आपके स्वाद भी मिलेगा ना शुद्धता भी, यहाँ आपके मिलेगा नाश्ता की व्यवस्था अलग, भोजन की अलग, बच्चा बच्ची उनका खेल कूद की जगह अलग, भोजन को स्वाद ऐसो कहीं नहीं मिलेगा यहाँ जैसो, भले अजमाई लो। खट्टा खट पत्तो भी सुनी लो, तपो भूमि पकड़ो नवो देवास वालो फोर लेन, पेलो पुल पार करियो पहुंची जाओगा महादेव रेस्टोरेंट। बड़नगर कने का पलवा गांव में जमीन का एक बीघा टुकड़ा चक्कर में दो परिवार उनके बीच में आपस में तनेगी, जमीन पर कब्जा चक्कर में दो ही तरफ से लेट मार चली, दो ही तरफ का लोग उनका माथा फूटिया। पुलिस तो पुलिस, ऐसा मामला हो तो लाड़ो नवा लाड़ी भी, दो ही तरफ से रिपोर्ट लिखी ली। पलवा गांव वाला शिवलाल माली जी ने गया साल गांव की रंजना भाई जगदीश माली जी की अपनी एक बीघा जमीन बेची थी। शिवलाल जी ने जमीन बेची ने वीका बाद भी जाता रहा, जमीन पर जगदीश जी का परिवार को कब्जों भी मिली गयो, नामंत्रण भी हुई गयो। अबे शिवलाल जी परिवार को इनको भतीजो गणेश माली वीकी जमीन पर नियत फिरेगी, भाई आखी गेंग लेके जमीन पर कब्जा करवाने पहुंची गयो, बस इतना लेट मार चलेगी। ट्रक भांजे पे चढ़ा रहा था, इसलिए मैंने डायरेक्ट बीज बचाव के लिए उस पर मार दी लटे, फिर दौड़ा के ट्रैक्टर उस पर मेरे भांजे पे चढ़ाया, फिर मैंने उसको एक फिर मारी, इतने में 5-7 लोग और आ गए और मेरे भांजे को मार दी। कौन लोग? फिर पीछे हट गए। कौन लोग? वो जगदीश और उसके साथी। और ये थाना राघवी का महोड़ीपुरा ग्राम पड़ता है, वहाँ का घटनाक्रम है जिसमें एक ही परिवार के दो पक्ष हैं, उसमें कुछ आपसी जमीनी विवाद को लेकर के बीच में विवाद हुआ है जो वीडियो आपने दिखाया है। इसमें दोनों पक्षों की शिकायत पर भारतीय दंड विधान 324 का अपराध दोनों तरफ से दर्ज किया गया, हम लोग उसमें विवेचना कर रहे हैं। चुनाव वाली आचार संहिता निपटी ने अपना महापौर जी मुकेश टटवाल जी फुल फॉर्म में आई गया, पहला नगर निगम का सगड़ा इंजीनियर उनकी बैठक ली थी, आज एक साथ MIC की बैठक में सगड़ा अधिकारी उनके लेके बैठी गया, नवी सड़क लेके सड़क पे बिजली तक का नरम मुद्दा उन पे बात करी। सुनो महापौर जी खुद इना बैठक का बारे में कई बताई रहा है। उसमें एक तो हमारा कृष्ण सुदामा जो मार्केट है उसको फ्री होल्ड विक्रय करने के लिए हमने प्रस्ताव पास कर दिया है, दूसरा हमारे जो लाइट को लेकर के समस्याएँ ज़्यादा उत्पन्न हो रही थी, जो स्मार्ट सिटी ने 24,000 लाइटें लगाई है उन सब की जाँच करने के लिए कमेटी बनाई है, साथ ही हमने हमारे जो अन्य ऐसे विषय जो तीन विषयों को लेकर के अलग अलग कमेटी जांच के लिए हमने बनाई है, जांच प्रतिवेदन देगी, चाहे वो हमारे भुगतान के विषय को लेकर के हो या हमारे निर्माण के विषय को लेकर के हो। एक निगे आगर सहायक समीचार पे डाली लो, गई रात आगर में कोतवाली थाना के सामने एक बिना दूध मुया बच्चा गोद में लेके गन देर तक हंगामा करियो, कदी थाना के बाहर चिल्लपो मचाए, कदी सड़क पर धरनो देके लेटी जाए, नरी दर तक बापड़ा पुलिस वाला भाई बहने उन वी के मनाता रिया, आनी भाई को कहना पड़े कणी जाहिद ने वी को नरा दम तक शोषण करियो, वी का बाद डिस्पोजल ग्लास कटोरी हरी हमजी के फेंकी दियो, पुलिस के शिकायत करने जाए कोई नहीं सुने। यूं तो देखो वाला यो भी बताई रहा भाई थोड़ी घनी लगाई भी थी, अब हकीकत कही है तो जाँच होगा जब समय आएगा। मेरी मदद नहीं करी पुलिस, वो जायदा में बार बार परेशान करता, मुझे मार सकता मेरे बच्चे को। और थाने पे कब तक आए हो? मेरे को वो
सारे दिन हो गए, मतलब कम से कम साल भर हो गए, पुलिस मेरी सुनवाई नहीं करी, मेरे को बहुत परेशानी उठानी पड़ी हो जांच को, जब भीख तक मांगना पड़ रहा है मेरे बच्चे को, मेरा पेट पाल रहे, हम बहुत परेशान है, हमें मदद चाहिए पुलिस से। चलो सब आज का मंडी वाला भाव देख ला। विषय पहला सूचना है, 22 के मने शनिवार बैंक का छुट्टी की वजह से अनाज न लसन मंडी की छुट्टी रहेगा। उज्जैन मंडी माए गुरुवार को 6000 बोरी गेहूं की आवक थी। गेहूं का भाव 1728 से लेकर 3100 रुपये का रहा। देसी चना का भाव 6391 रुपया, काबली चना का भाव 5500 से लेकर 10851 रुपया, बड़ा चना का भाव 3930 से लेकर 6700 रुपया, तिल्ली का भाव 11001 से लेकर 11500 रुपया, रायड़ा का भाव 5225 रुपया, सोयाबीन का भाव 2200 से लेकर 5891 रुपया रहा है, धनिया का भाव 2925 से लेकर 6400 रुपया, बटला का भाव 3999 से लेकर 4661 रुपया, मसूर का भाव 5390 का रहा है। गुरुवार उज्जैन मंडी में गाँव से ज़्यादा सोयाबीन की आवक रही, सोयाबीन की कोई 9000 बोरी कारोबार हुए। आलू की उज्जैन मंडी में 310 बोरी की आवक थी। आलू भाव 600 से लेकर 2451 का बीच में मॉडल भाव 1600 का रहा है। प्याज की 7900 बोरी की आवक थी। प्याज का भाव 500 से लेकर 2900 का बीच में मॉडल भाव 1700 का रहा है। लहसुन की 2400 बोरी की आवक रही। लहसुन का भाव 4000 से लेकर 18000 का बीच में मॉडल भाव 11500 का रहा है।